बजाज ने आखिरकार अपने नई मोटर बाइक से पर्दा उठा दिया है। ग्राहकों को काफी दिन से था बजाज वी का इंतजार। कंपनी का कहना है कि यह बाइक में जो भी मटेरियल लगा है वह INS विक्रांत का है। INS विक्रांत हमारे देश का सबसे बड़ा युद्ध पोत था। भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अंडर 19 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बना डाला। उन्होंने यह कारनामा बांग्लादेश में चल रहे अंडर 19 विश्व कप में नेपाल के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप मुकाबले में किया। नेपाल से मिले 170 रनों के साधारण लक्ष्य का पीछा करते हुए पंत ने 18 गेंदों में यह कारनामा कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने बहुचर्चित मन की बात कार्यक्रम मोबाइल पर सुनने के लिए एक नंबर दिया था। बताया जा रहा है कि इस नंबर पर मिस कॉल की बाढ़ आ गई है। रविवार को ही देश भर में से उस नंबर पर 4 लाख से अधिक मिस कॉल आए। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में पिछड़े वर्ग के श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग को लेकर कापू समुदाय के सदस्यों का आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गोदावरी जिले में तुनी रेलवे स्टेशन पर रत्नाचला एक्सप्रेस के 8 बोगियों और दूसरे अन्य वाहनों को आग लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।